हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो मैंने सोचा कि ईद का मेकओवर जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगी ग्लो ड्रॉप्स। ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है मेकअप प्रिपरेशन के लिए, बहुत अच्छे रहते हैं। उसके बाद सनस्क्रीन इज़ मस्ट, और इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। ये बहुत ही लाइट वेट है और ज़रा सी भी हैवी फील नहीं होता। उसके बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर, जो कि मेरे जो पोर्स है वो ब्लर कर देगा। मैं पूरे फेस पे नहीं लगाऊंगी, जस्ट जो मेरा फेस का टी जोन है मैं वहाँ पे लगाऊंगी, जहाँ पे पोर्स जो है आपको फील होते हैं। और इसको अच्छे तरीके से लगाने के बाद मैं जो सेकंड प्राइमर यूज़ करूँगी वो है रेयर ब्यूटी का। ये इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है, इससे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है स्किन पर, और जो आपका मेकअप है वो बहुत ग्लोई लगता है। तो ये मेरा बेस्ट प्राइमर है। और उसके बाद जो मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी वो है नार्स की। ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट फाउंडेशन है, मतलब इसकी जो लुक है वो बहुत ग्लोई आती है और इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। एक बिल्कुल एक छोटा सा ड्रॉप जो होता है ना वो आपके फेस के लिए इनफ होता है। तो ये अभी तक जो है वो मेरी बेस्ट फाउंडेशन रही है। इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद बारी आती है हमारे कंसीलर की, और कंसीलर जो है वो हुदा का यूज़ करूँगी। इसकी कवरेज मतलब बहुत ज़्यादा, इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, और ये थोड़ा सा मैट है, मैट फिनिश देता है, बट फिर भी अच्छा है। इसकी कवरेज की वजह से मैं इसको यूज़ करती हूँ, और फिर उसको भी अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। और ब्लेंड करने के बाद मैं जो कॉन्टोर यूज़ करूँगी वो है शी ग्लैम का। ये लिटरली विद इन 2 to 3 seconds ये ब्लेंड हो जाता है, लाइक ये ज़रा हार्ड टाइम ही देता ब्लेंड होने में। ये बहुत ही अच्छा है, मैंने इसको ट्राई किया था, तब से मेरा बस फेवरेट हो गया है। जो नॉस की कंट्रोलिंग है वो मैं हमेशा ब्रश से करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी रहता है ब्लेंड करने में भी और कंट्रोल करने में भी। उसके बाद जो है ब्लश भी मैं इसका शी ग्लैम का यूज़ करूँगी, ये भी बहुत अच्छा है, लाइक विद इन सेकेंड्स ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद मैं कोई भी पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले सेटिंग स्प्रे के साथ इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर लूँगी। मैंने मैक का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, उसके बाद मेबेलिन का मैं ये पाउडर जो है इसे बिल्कुल सेट कर लूँगी अपना फेस। और उसके बाद जो बेकिंग में है वो मैं जिवेंची का सेटिंग पाउडर यूज़ करूँगी। अभी फ़िलहाल इसको पाउडर ऐसे ही रहने दूँगी, और उसके बाद जो है वो अपना आइज़ मेकअप स्टार्ट करते हैं। और पैलेट में यूज़ कर रही हूँ नॉटी हुदा ब्यूटी की। आइस मेकअप करने के लिए तो लाइक पहले आपको कुछ देर बैठ के सोचना पड़ता है कि यार अब कौन सी लुक लें आज। तो मुझे तो ज़्यादातर जो पसंद है वो न्यूड कलर्स पसंद है, और उसमें थोड़ा सा शिमर, और ईद है तो शिमर ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैंने मीडियम शेड लिया ब्राउन में जो मेरे पास था, वो अपने क्रीज पे अच्छे तरीके से ब्लेंड किया। उसके बाद जो है थोड़ा सा डार्क शेड लेके उसको जो मेरा आउटर कॉर्नर है उसकी तरफ अच्छे तरीके से ब्लेंड किया। फिर जो मेरे पास सबसे लाइट शेड था वो मैंने यूज़ किया अपनी आईज़ पे, और फिर मैं सेंटर में यूज़ करूँगी ग्लिटर, और ये ग्लिटर बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने आईलाइनर तो यूज़ नहीं किया, बट जो मेरी पैलेट में सबसे डार्क ब्राउन शेड था उससे मैंने विंग क्रिएट किया एक, और ये बहुत ही नेचुरल में और बहुत ही अच्छा सा विंग लगता है। मतलब ब्लैक में अगर आप लाइनर यूज़ करते हो तो वो पूरा प्योर ब्लैक लगता है, तो ये ब्राउन जो होता है वो बिल्कुल अच्छा सा आपका विंग क्रिएट कर लेता है और बहुत सॉफ्ट लुक देता है आपकी आईज़ को। उसके बाद इनर कॉर्नर्स पर भी ग्लिटर ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया आईलैश कलर, और इससे अच्छे तरीके से अपनी आईलैश को कर्ल कर लूँगी। और फिर मैं लगाऊंगी हाफ आईलैशेस, लाइक ये बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं देती और बहुत ही अच्छी शेप आती है इससे आईज़ की, और बिल्कुल भी ओवर नहीं लगता। उसके बाद पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा और ब्लशर लगाऊंगी, और फिर वाइट पेन से लगाऊंगी अपनी आईज़ में। और अगर हाइलाइटर ना हो तो लाइक आपका फेस कैसे ग्लो करेगा, तो बस इससे बहुत अच्छा ग्लो आता है।
उसके बाद मैंने बाल किए अपने जल्दी से कर्ल्स और थोड़े लाइट लाइट से किए, ज़्यादा हैवी नहीं किए। और ये हमारा आ गया है फाइनल ड्रेस और फिर मैं साथ में पहनूंगी छोटे से झुमके और ये बहुत ही क्यूट लगते हैं, मुझे बहुत ही पसंद है तो वो मैं पहनूंगी और बहुत ही अच्छे लग रहे थे इसके साथ। और ये है मेरी ईद की फाइनल लुक, होपफुली आपको मेरी लुक पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।